यदि कोई देश शांति और अमन चाहता है तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। स्कूल में हमें सिखाया गया है महात्मा गांधी के कारण भारत स्वतंत्र हुआ। क्या सच में महात्मा गांधी ने एक धोती और एक लाठी के बलबूते अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया? क्या सच में भारत छोड़ो अभियान के कारण अंग्रेज 15 अगस्त 1947 में भारत छोड़कर चले गए? पर 1947 में ही क्यों, 1945 या 1946 में क्यों नहीं? इस वीडियो के माध्यम से हमने सारे सवालों का जवाब दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को ब्रिटिश पर हमला करने का सुझाव दिया। महात्मा गांधी ने मना कर दिया और इलेक्शंस करने का निर्णय लिया। इलेक्शंस के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सीता रमैया को हरा कर कांग्रेस पार्टी के पहले प्रेसिडेंट बन गए, पर इस बात से गांधी काफ़ी नाराज हो गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और हंसी खुशी कांग्रेस पार्टी से निकल गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को आज़ाद करने का सपना देखा था और जिद इतनी थी कि उस सपने को पूरा करने के लिए वे जर्मनी पहुँच गए हिटलर से मिलने। हिटलर से मिलने के बाद उन्होंने 4000 सैनिक, जिसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी कहते हैं, उन्हें रिहा कराया और आज़ाद हिंद फौज से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। जापान जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां के प्राइम मिनिस्टर को ब्रिटिश इंडिया के सैनिकों को रिहा करने की मांग की ताकि उन्हें आज़ाद हिंद फौज में भर्ती किया जा सके, और ब्रिटिश से लड़ने के लिए जापान को अपना दोस्त बना लिया। फरवरी 1944 में जापान और आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा पर अटैक कर दिया और 19 मार्च 1944 में आज़ाद हिंद फौज और जापान मणिपुर पहुंचे, जहां पर पहली बार उन्होंने ब्रिटिश को हराकर भारत का तिरंगा लहराया। पर आज़ाद हिंद फौज की इस ऐतिहासिक जीत की खबर छापने से सभी अखबारों ने मना कर दिया, यहां तक कि महात्मा गांधी ने अपने दो मैगजीन हरिजन और यंग इंडिया में छापने से भी मना कर दिया था। किसी तरह हिंदुस्तानी फौज में ये खबर फैलने लगी और लोगों में आज़ादी का जज्बा बढ़ने लगा। 1945 नागालैंड में ब्रिटिश ने एयरफोर्स की मदद से आज़ाद हिंद फौज और जापान के कई सैनिक मार दिए। हवाई हमले का कोई जवाब न रहने के कारण आज़ाद हिंद फौज पराजित हो गई और ब्रिटिश ने कई सैनिकों को बंदी बना लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया दिल्ली के लाल किले में, जिसे रेड फोर्ट ट्रायल भी कहा जाता है। 1945 से 1946 तक रेड फोर्ट ट्रायल्स चले, जहां पर आज़ाद हिंद फौज के तीन बड़े अफसर प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान का ट्रायल चल रहा था। ट्रायल के समय बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी फौज ने आज़ाद हिंद फौज का साथ दिया और लाल किले से आई आवाज़ सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से उनका हौसला बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के न चाहते हुए भी उन्हें आज़ाद हिंद फौज का साथ देना पड़ा, क्योंकि कुछ ही महीनों में इलेक्शंस थे। अंग्रेज़ ये समझ गए थे कि अब हिंदुस्तानी फौज में बगावत का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि शायद हिंदुस्तानी फौज ये समझ गई थी कि जो आज़ाद हिंद फौज ने किया वो हिंदुस्तानी फौज को बहुत साल पहले ही कर देना चाहिए था। एक तरफ रेड फोर्ट ट्रायल्स की बगावत और दूसरी तरफ नेवी रिवोल्ट, जिसका मतलब है नेवी ने भी बगावत कर दी थी। हिंदुस्तानी अफसर और अंग्रेज़ अफसर बराबर ओहदे के होने के बावजूद हिंदुस्तानियों को अलग खाना दिया जाता था और अंग्रेज़ों को अलग खाना दिया जाता था। अंग्रेज़ अफसर हिंदुस्तानियों को गाली देकर पुकारा करते थे, जिसके कारण हिंदुस्तानियों ने बगावत कर दी थी। उस समय यह हादसा बॉम्बे में होने के कारण बात आग की तरह फैलने लगी और कई जगह नेवी ने बगावत कर दी। यह हादसा देखकर अंग्रेज़ डर गए और सोचने लगे कि अगर मिलिट्री और एयरफोर्स ने भी बगावत कर दी तो उनका बच पाना नामुमकिन होगा। इंडियन नेशनल आर्मी के डर के कारण अंग्रेज़ 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़कर चले गए, ना किसी क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण। अब सुनिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने आखिरी इंटरव्यू में क्या कहा था। 1955 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने BCC को दिए अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा था कि महात्मा गांधी कोई महात्मा नहीं है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी भी
महात्मा गांधी को महात्मा करके नहीं बुलाया। उनके मुताबिक महात्मा गांधी एक महात्मा का मुखौटा पहने हुए व्यक्ति थे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि भारत को आज़ादी गांधी के कारण नहीं बल्कि इंडियन नेशनल आर्मी के कारण मिली है, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली वो शख्स है जिसने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पर सिग्नेचर किया और क्लेमेंट एटली का ही डिसीजन था कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिलेगी। भारत आज़ाद होने के बाद 1956 में जब क्लेमेंट एटली भारत आए तब उनकी मुलाकात कलकत्ता के गवर्नर मिस्टर चक्रवर्ती से हुई। मिस्टर चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि आप भारत छोड़कर क्यों चले गए और 1947 में ही क्यों चले गए। तब उन्होंने केवल एक ही शख्स का नाम लिया और वो शख्स का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट का उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज़ादी की असली कहानी। पर साथ ही हमें ये भी याद रखना है कि कई महान पुरुष भारत की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, पर जाते जाते उन्होंने हमें ये ज़रूर सिखाया कि भारत की आज़ादी थाली में परोस कर नहीं मिली है, कई बलिदान के बाद भारत को आज़ादी मिली है, जिसे हमें सम्मान करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।